इलाका संघर्ष कमेटी ने इलाके दे विच जारी अवैध माइनिंग दे विरोध विच प्रशासन दे खिलाफ फिर तो धरना लगाउण दा ऐलान कर दिता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कमेटी दे प्रधान सबरूप सिंह ने कहा कि कमेटी सदस्यों वालों बीते महीने अवैध माइनिंग दे खिलाफ लगातार धरना दिता गया। इस ते प्रशासन ने भरोसा दिता कि इलाके दे विच अवैध माइनिंग नहीं होगी। इस तों बाद 12 अप्रैल नूं इह धरना खत्म कर दिता गया, पर उन्होंने कहा कि अफसोस की गल है कि इलाके दे विच गैर कानूनी माइनिंग हुण भी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने वादा किया सी कि एलग्राम मजारी पलान दे विच अवैध माइनिंग ते निशानदेही करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर इस संबंध में हुण तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध दे विच डिप्टी कमिश्नर रोपड़ ते मुख्यमंत्री नूं भी एक पत्र लिखा गया सी, पर इस पत्र दे बारे किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इसलिए कमेटी दे सदस्यों ने दोबारा तो प्रशासन दे खिलाफ धरना देने का फैसला किया है, जिसके चलते हुए अज 21 तरीक नूं इलाका संघर्ष कमेटी वालों एलग्राम विखे अपना धरना शुरू किया जाएगा। आओ सुनते हैं की कहना है इलाका संघर्ष कमेटी के मैंबर का। MLA साहब ने सारे ने बीजी पुलिस वाले ने सारे ने सू विश्वास दवाया भी अच्छे बाद मैनिंग जी चलूंगी, उस करके साडा धरना छपाता जी। जिस दिन अभी धरना चेकिया दूए दिन के बाद नहीं मुख्य भी कम शुरू करता जी। हम लगातार काम चल रहा है, पहले थोड़े जगह चलते हम बदते बदते बढ़ी जाते धरना लगाया जाए, हूँ भी इतने दूसरी जगह फिर लगा रहे हैं। कल विश्वास किए दवाया दोबारा नहीं हुए जी? राणा जी ने भी विश्वास दवाया था जी, मैनिंग वाले ने बच्चे डीसी बच्चे बठाले जी ने डी एस पी का ये सारे ने हाजरी गल होंगी जी भी अच्छे बाद मैनिंग नहीं होगी नजायज जी जायज उ तीन पिंडा के उ 10 फुट तक होगी 10-10.5 नहीं होगी जी जिते जिते जायज आएगी उत्तर चला नहीं है मुड़कर सारी फिर नजायज कर रहा है। धरना किसान जत्थेबंद लगे कि आम आदमी पार्टी के बंदे नहीं साढ़े इलाका संघर्ष कमेटी होता है पार्टी का कोई तो मतलब नहीं है जी किसी का भी हम तकलीफ तो सारिया पार्टियां ने पिंड सारिया पार्टियां के बंदे एक पार्टी का कोई भी मतलब नहीं है किसी का। बाकी रात जी एलगन बाजारी उ मशीन फटाई जी वो बदली के बंद ने फोन किया मशीन फटाने के बाद कार्रवाई नहीं की जी और मशीन फिर छड़ दी दिन रात ही अंदर हम ये नहीं पता हम कि मैं जो अफसर के मैनेंग वाला जी तो उन्होंने पता होना कि हटाए गया अभी सारी गल बहरे दिता जी जब बुला मुड़ का कार्रवाई नहीं होने देंगे उपर फिर जब तक देखो जी मैनिंग बंद होने 15 दिन बाद धरना चाहिए जब सू तसली हुई नहीं तो जब तक माइनिंग नहीं बंद करा फिर कोर्ट वाल देखा जितने भी हो जितने तक ये बंद करा कर देंगे जो भी होगा जब तक साढ़े जीने मरनी सब जो ज्यादा बर्बाद होंगे सू केस पाल जो भी होगा सू किसी गल डर नहीं मरने का भी डर नहीं है। सरकारें करा दी जी होनी जी पर हम जी सरकार का हाथ ना हो तो जी मेहनत का क्या थोड़ा मतलब है मशीन थोड़ी भी छड़ देनी होगा पंजाब सरकार करा दी है सपोर्ट दे रही है बचलाओ तीन प्रेसर वाले मिली भुगत सारे चल रहे सारे प्रशासन की बीजे समझ लो बच्चे सरकार भी समझ लो सारे की है जी एक दी रहनी जी एक दी होंगी फिर तो लोग जागते नहीं थे थोड़ी थोड़ी करते थे चल ज्यादा भी हो गए हूँ साढ़ा पीने वाले पानी खत्म हो गए साढ़े डंगर है जो सरकारी पानी आता जे एक दिन ना साढ़े डंगर भी पानी खाए गए जेड़े खेतों में बोर कराए दो सौ गए साढ़े फसल साढ़े कान कत्ती है अद्धा झाड़ निकले जी। सर इलाका संघर्ष कमेटी ने पहले भी धरना लाया था तो उदो प्रशासन ने बड़ी कोशिश की बड़ी हिम्मत दिखाई थी तो नजायज माइनिंग असं कंट्रोल कर लेना सब कुछ कर लेना बड़िया इलाका संघर्ष कमेटी ने बड़ी मेहनत की उस DSP साहब भी सके कालू साहब तहसीलदार साहब भी खुद आए थे नंगल दे छुट्टी वाले दिन भी वह उत्थे जिते धरना लगे से उत्थे आए थे उन्होंने विश्वास दवाया था भी जी नजायज माइनिंग है वो नहीं होएगी भी तुम एक बार धरना चक लो असं जो थोड़ी शर्त है सारिया शर्त मानूंगे असं रिटर्न उन्होंने शर्त दी जिदे सब तो पहली साड़ी शर्त सी इलाका संघर्ष कमेटी की भी जिनी नजायज माइनिंग हुई इलाके खासकर उधरले इलाके एलग्रां मजारी भलाण वगैरह भी जिनी नजायज माइनिंग हुई उसकी निशानदेही करके उसके उपर कार्रवाई करो पर प्रशासन ने कोई भी मान जी इलाका संघर्ष कमेटी की माननी नहीं असी थोड़े जे इलाका संघर्ष कमेटी थोड़ी जी धरना दौरा लाने से थोड़े जी लेट हो गए क्योंकि 20 दिन का टाइम मिला सी सिर्फ तो 20 दिन बाद असी धरना लाना सी उस तो बाद लॉकडाउन लग गया
उस करके असं धरना लाया नहीं। अच्छा जिदा जिदा लॉकडाउन बढ़ता गया उदा उदा जड़िया नजायज माइनिंग की एक्टिविटीज होर वधी गई। हूँ सरकार रिस्पोंसीबल है जी, प्रशासन रिस्पोंसीबल है। मैं खुद डीसी मैडम के थ्रू अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी भी भेजी, उसके बकायदा उस पर फोटो उसे लिखी हुई फोटो आई हैं, उसके कच्चा काम नहीं किया, पक्की दो फोटो उसे आई हुई हैं जिते नजायज माइनिंग हुई भी, जिते इन्होंने डी सिल्टिंग की मंजूरी दी भी। और डी सिल्टिंग कित जाके उ जो तुम उके मीडिया के थ्रू कवरेज करो, जिते डी सिल्टिंग की मंजूरी आई भी उ 50-50 फुट के 100-100 फुट के खड्डे पे नजायज माइनिंग का, सिल्ट जितों चकनी उत्थे तो पहले 100 फुट के खड्डे पे हुए, उत्थे इन्हें डी सी सिल्टिंग की मंजूरी दी भी। मैं बकायदा वो लैटर लिख के सीएम साहब न थ्रू डीसी मैं चिट्ठी भेजी, और हाले तक मैं नहीं लगता कोई जवाब आया, ना ही प्रशासन ने जो जिदा जिदा एक्टिविटी असी सोचा सीगा कमेटी ने सारी ने भी लॉकडाउन लग्या जो तक लॉकडाउन है उदों तक जिहड़ा धरना नहीं देना, पर हुण मजबूरी बन गई क्योंकि नजायज माइनिंग उस तरह जो पहला चलती थी तो बहुत उपर चली गई, उस करके मजबूरन हुण बंदे नूं इकट्ठा करना पै रहा है। साडी गलती नहीं है, इलाका संघर्ष कमेटी की गलती नहीं है, इलाके के बंदे की गलती नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की गलती है। कल नूं जे धरना लगता उत्थे और अज की डेट थानू मैं दसा, कल असी धरना लाना सवेरे, अज सारी मशीन रात में जिन्नी भी खड्डे चाह सारिया जाके उ अपने क्रैशर से पहुंचने, साड़ी मंग सी कि जिन्या उ पोकलाइन चल रही उन्होंने बकायदा उन्होंने नंबर हो, आरसी बनती हरेक पोकलाइन की, जेसीबी की भी आरसी बनती उस पर नंबर होंगे, किसी पोकलाइन का नंबर नहीं है। साड़ी मंग सी भी जे किसी क्रैशर से कोई जेसीबी खड़ी पोकलाइन खड़ी तो पता लगे भी यह जी मशीन है इस क्रैशर की है, ताकि जो वो मशीन नजायज माइनिंग करती फड़ी जाती तो क्रैशर से भी नाल कार्रवाई हो। पर इन्होंने साड़ी एक भी मंग नहीं मनी, और अज दोबारा फिर जे इलाका संघर्ष कमेटी वाले और खासकर जोड़े उत्थे दे लोग है फिर ज़्यादा दुखी होए, ता करके इलाका संघर्ष कमेटी ने फिर शुरुआत की भी कल जो मर्जी होवे परचे हो जाए कुछ हो जाए उत्थे दे लोगों ने इकट्ठे होकर दोबारा धरना देना प्रशासन दे। असी इलाका संघर्ष कमेटी वालों जिवें सब तो पहले थानू पता है कि लगभग बड़े दिनों तो असी गैर कानूनी माइनिंग के विरुद्ध धरना लगातार जोड़े लग रहे थे, उस तो बाद 12 अप्रैल जोड़ा साडा धरना चक होया, एक प्रशासन के भरोसे तो बाद उन्होंने सानू भरोसा दिता से कि जिहड़ी मौके पर गैर कानूनी माइनिंग है नंगल ब्लॉक और आनंदपुर ब्लॉक के बीच वो असी टोटली जी बंद करा के हटेंगे। उसके बावजूद असी 12 अप्रैल तो बाद जिवें ही माइनिंग शुरू हुई उस तो बाद लगभग असी जिवें भी सपोर्ट पर जाते रहे 30-30, 40-40 फुट की लगातार जी गैर कानूनी माइनिंग है वह चलती रही। प्रशासन ने सानू भरोसा दिता से कि 10 फुट तो ज़्यादा जी माइनिंग है वो नहीं माइनिंग माफिया वालों नहीं की जाएगी। जिहड़ा असी कल तो 21 मई तो जिहड़ा लगातार रोस धरना है जिहड़ा असी पिंड एलगरा दे विच इलाका संघर्ष कमेटी सरूप सिंह जी प्रधान जी की निगरानी हेठ असी कल लगा रहे हैं, तो उहदा साडा जिहड़ा मुख मकसद है सब तो पहले तो प्रशासन है कि प्रशासन है जिहड़ा वो अज अपनी नज़रां दे विच फेल होया कि उहनां तो जिहड़ी गैर कानूनी माइनिंग है उहदे संबंध में हजे तक कोई जिहड़ी पॉलिसी है वह नहीं।